संदेश खाली कांड के खिलाफ लेफ्ट से जुड़े छात्रों का प्रदर्शन, सुरक्षा बल से भिड़े पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने की मांग। सीएम योगी का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती परीक्षा के बाद आरओ एआरओ की परीक्षा को रद्द कराने की घोषणा, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल। अफ्रीका में पकड़ा गया एनआईए का मोस्ट वांटेड, 5 लाख का इनामी मोहम्मद गौस नियाजी का पीएफआई का बड़ा चेहरा बड़ा कनेक्शन, बेंगलुरु में आरएसएस नेता रुद्रेश की हत्या का आरोप। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से दरिंदगी, गैंगरेप मारपीट का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बंशीधर तंबाकू के ठिकाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, अब तक कैश जेवरात के साथ 100 करोड़ से ज्यादा की कारें बरामद। यूपी के गाजीपुर में दूध दही की दुकान करने वाले के इनकम टैक्स ने थमाया 14 करोड़ का नोटिस, बताया दुकानदार के पैन नंबर से हुई हेराफेरी। नासिक हाईवे पर बनी अवैध मजार पर चला बुलडोजर, देर रात हुई कार्रवाई, बीजेपी विधायक नीतीश राणा ने सवाल खड़े किए थे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पहुंचे अस्पताल, बेंगलुरु ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात की। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आया, कैप पहने हाथ में बैग लेकर कैफे में पहुंचा था लड़का, पूछताछ जारी। आईएनएलडी नेता नफे राठी की हत्या में शामिल चारों शूटर्स की पहचान हुई, पुलिस बोली जल्द आरोपी गिरफ्तार होंगे। यूपी के रामपुर पर एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, ढाबे से 80 लाख रुपए की अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में झूमा अंबानी परिवार, फैमिली फोटोशूट की तस्वीरें सामने आई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा का सीए पर बड़ा बयान, कहा वो सीए के समर्थन में है, विरोधियों को दी सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह। आज दिल्ली में गृह मंत्री, त्रिपुरा सरकार स्वदेशी प्रगतिशील गठबंधन के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, अमित शाह बोले आज का दिन त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर फिर प्रहार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बताया लोकतंत्र विरोधी, बोले नफरत फैलाता है आरएसएस। सूत्रों के हवाले से खबर, हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं, अपने पिता वीरभद्र सिंह के नाम पर पार्टी लॉन्च करने का प्लान। हिमाचल कांग्रेस में नहीं बुझी बगावत की आग, विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक प्रोफाइल से कांग्रेस आइकन हटाया। हिमाचल कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा बोले घर से निकाला जाएगा तब तो कहीं जाएंगे, संपर्क में है 10 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल का अयोध्या दौरा, मंत्रिमंडल के साथ रामलला के दर्शन किए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर, 1006 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास।